दोस्तों, मैं हूं पूजा मिश्रा और आप सभी को हमारे चैनल की तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आपके लिए ये नया साल काफी बेमिसाल होगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो अनुपमा में आप सभी को क्या कुछ देखने को मिलेगा। वेल, आप तो जानते ही हैं कि भाई नए साल की जो शुरुआत है वो अच्छी होनी चाहिए, ताकि ये जो पूरा साल है आपका हमेशा के लिए खुशियों से भरा हो। और इसी के साथ साथ भाई हम चाहते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं उनकी जिंदगी में काफी सारी खुशियां हैं, लेकिन लगता है जो अनुपमा के मेकर्स हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि अनुपमा की जिंदगी में खुशियां हैं। तभी तो भाई नया साल आ चुका है, पुराना साल खत्म हो चुका है, लेकिन अनुपमा की जिंदगी में जो पुरानी बातें हैं वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। और यहाँ पर अनुज अनुपमा के बीच में तो दूरियां आ ही चुकी है, और इसी के साथ जो बा है वो भी वनराज के दिल में अनुपमा और अनुज को लेकर आग लगा रही है, जहां वनराज को पूरी तरह से बा ने भड़का दिया है। और अब नए साल पर भाई यहां पर आपको वनराज का गुस्सा फूटते हुए दिखाई देगा, यानी कि जहां सभी लोग नए साल पर भाई पटाखे जलाएंगे, फायर क्रैकर्स जलाएंगे, तो यहां पर भाई कोई कुछ जलाए ना जलाए, लेकिन जो वनराज का गुस्सा है वो जलकर बाहर आएगा। दरअसल होता ये है कि बा जो है वो वनराज को भड़काती है कि तेरे बापूजी जो हैं कब से मिल नहीं रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं, जबकि अनुज और साथ ही उसका जो पूरा परिवार है वो बापूजी को ढूंढने में लगा हुआ है। सभी लोग परेशान हैं कि भाई बापूजी गए तो गए कहाँ, मैंने तो उन्हें मंदिर के पास छोड़ा था, फिर अचानक से वो मिसिंग कैसे हो सकते हैं। और यही सारी चीज़ें जो है एक का चार लगा के जो बा है वो वनराज को बताती हैं कि भाई अनुज अनुपमा जब से हम इस घर के अंदर हैं हमसे अच्छे से बात नहीं करते, लगातार हमें टॉर्चर करते हैं, टॉन्ट करते हैं, और अब तो तेरे बापूजी भी नहीं मिल रहे, पता नहीं अनुज ने उन्हें कहाँ छोड़ दिया था, वो अपने साथ उन्हें लेकर गया था लेकिन अभी तक तेरे बापूजी का कोई अता पता नहीं है, तेरी जो है हमें बहुत ज़रूरत है, बेटा तू यहाँ पर आ जा। और भाई वनराज को तो चिंगारी भी बता दो तो भैया वो आग बबूला हो जाता है। और इसी के साथ वनराज कहता है कि बाप चिंता मत करो, आपका बेटा जो है वापस आ रहा है। और होता ये है कि जैसे ही अनुज उनको मंदिर के पास छोड़ता है तो इसी के साथ हम देखते हैं कि बापूजी जो है फोन पर व्यस्त होते हैं और सामने से एक ट्रक आती है, उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अब ये तो नहीं पता कि भाई जो बापूजी हैं वो बचे हैं कि नहीं बचे हैं, क्योंकि ये तो हमें आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर बापूजी के साथ साथ दो जिंदगियां और भी बर्बाद हो रही हैं, जो कि अनुज और अनुपमा की है। छोटी अनु के चलते भाई अनुज अनुपमा के बीच में इतनी दूरियां आ चुकी हैं कि अनुपमा को अब ये एहसास हो रहा है कि जो मेरा रिश्ता है, मेरे जो अनुज है वो मुझसे बहुत दूर जा रहे हैं। और अनुज को लगता है कि भाई जो अनुपमा है वो बिल्कुल भी मेरी बात अब सुनती नहीं है, ना ही मानती है, और छोटी अनु की उसे कोई फिक्र ही नहीं है। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार ये नए साल में क्या दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो गलतफहमियां हैं वो दूर हो जाएंगी, या फिर नया साल इनके लिए कोई खुशियां लेकर नहीं आएगा। तो दोस्तों, आपको अनुपमा का ये ट्रैक कैसा लग रहा है कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही टेलीविजन से जुड़े तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।